हेलो फ्रेंड, दिस इज कुशांत कर अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, जो कंप्यूटर फैशन डिजाइनिंग कोर्स का जो मैंने वीडियो कुछ दिन से मैंने अपलोड कर रहा था, इसका कलर का मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिखा रहा था, कलर थ्योरी। तो कलर थ्योरी का ये पार्ट टू, तो इसमें हम आज डिस्कस करेंगे जो RGB कलर व्हील। आप लोगों को पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था जो RGB जो कलर होता है ना, कलर व्हील। तो देखिए, RGB जो कलर व्हील में जितना कलर बनता है, तो वो कलर का सारे नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके फ्रेंड, तो ये 12 जो कलर कलर का नाम एक बार देख लीजिए, कौन सा कलर को क्या नाम से बुलाते हैं हम। और उसके बाद हम कुछ नया चीज़ आप लोगों को सीखेंगे, और साथ ही साथ देखिए मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले ह्यू। तो ह्यू क्या है, इस जब कर सकते हो, जैसे कि ह्यू का मतलब है आप एक कलर, जैसे कि हम लोग रेड कलर बोलते हैं, ग्रीन कलर बोलते हैं, ब्लू। तो ह्यू भी एक कलर ही आप लोग बोल सकते हो, अलग अलग कलर हो सकता है। ओके, तो ये जो जितना अलग अलग पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ, इसके अलावा भी कलर के लिए और भी बहुत कुछ डिस्कस होगा, एक एक करके देखते रहिए। तो इंटेंसिटी ऑफ ह्यू, ये जो सेचुरेशन है फ्रेंड, तो सेचुरेशन का इसे क्या बोलते हैं। देखिए, जो इंटेंसिटी होता है कलर का, जो ब्राइटनेस होता है, जो तीव्रता होता है, तो उसे देखिए जो नीचे की ओर जा रहा है, डी सेचुरेशन, यानी कि जो एक ही कलर है इस जगह में, देखिए ज़्यादा ब्राइटनेस, यानी कि एक कलर को धीरे धीरे जो इसमें जो तीव्रता घटित हो रहा है इस जगह में, देखिए धीरे 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 ये लाइट हो रहा है और इस जगह में हाई हो रहा है, यानी कि ब्राइटनेस इस जगह में। एक जो कलर मानिए, जैसे कि क्रिम्सन कलर, क्रिम्सन कलर का जो डेप्थ होता है वो आप लोगों को हाई सेचुरेशन इस जगह में आप लोगों को मिलेगा। ओके, तो सेचुरेशन क्या है आप लोगों ने इसी तरह जानना है। ओके, और दूसरी बात उसके बाद आ रहा है फ्रेंड, जो वैल्यू, वैल्यू किसे बोलते हैं हम। देखिए, जो एक ही कलर होता है उस कलर का जो लाइटनेस और डार्कनेस होता है वो हम लोग बोल सकते हैं। तो एक ही कलर का मानिए, जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं जो ऑरेंज से मैं बना रहा था, उसके साथ ऊपर में जब जा रहा है डार्क हो रहा है, और नीचे में जैसे आ रहा है लाइट हो रहा है, और मिडिल ये टोन है। तो देखिए, मिडिल से डार्क और मिडिल से लाइट तक जाने के लिए जितना कलर इस जगह में बन रहा है फ्रेंड, इसका बहुत सारा शेड तैयार हो रहा है ये। ओके, तो इसे देखिए, इसे हम लोग वैल्यू बोलते हैं। ओके, देख कोई भी कलर, ये हम पिंक कलर से भी हम लोग कर सकते हो, हम लोग कर सकते हैं, और जो कुछ भी हो एक ही कलर का, इसी तरह आप लोग वैल्यू निकल सकते हो। ओके, और उसके बाद हम लोगों को शेड। तो देखिए, शेड में आप लोगों को जैसे कि एक जो कलर होता है पर्टिकुलर, कोई एक कलर को आप चूज कर लिख करिए, और चूज करने के बाद उस कलर के साथ आप ब्लैक को 5 कर दीजिए। देखिए, ये हमारा मेन कलर। ओके, तो ये मेन कलर के साथ हमने धीरे धीरे ब्लैक 5 करने के बाद देखिए ये कलर का शेड आ रहा है। ओके, तो कलर प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग ब्लैक। उसके बाद टिंट। तो टिंट का मतलब है फ्रेंड, हम लोग किसी कलर के साथ अगर व्हाइट 5 कर दो, जैसे कि आप लोग बोलते हैं जो पैल, पैल का मतलब पतला जो एक कलर टाइप होता है, तो उसी तरह हम लोग टिंट कलर को हम बोलते हैं। किसी कलर के साथ हम लोग अगर व्हाइट पांच करो तो वो अलग से शेड इसमें दिखता है। ये देखिए, जैसे कि ये मेन कलर है, ये मेन कलर के साथ हम धीरे 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 व्हाइट, और ये मैक्सिमम व्हाइट इस जगह में है। ओके, उसके बाद टोन। तो टोन में फ्रेंड हम लोग क्या करेंगे, कलर प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग ग्रे, यानी कि ये हमारा जो मेन कलर है, इस कलर के साथ हम ग्रे पांच करेंगे तो उसका वाइटी टाइप टोन निकल आएगा। ओके, तो देखिए ये मेन, उसके साथ थोड़ा ग्रे, उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा, 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 यानी कि जैसे कि फर्स्ट हमने सीखी है जो वैल्यू कलर का मैंने आप लोगों को दिखा है इसमें, तो उसी तरह ही एक ही जगह में अलग अलग शेड होता है। जैसे कि ब्लैक पांच करेंगे तो कलर का वाइट टाइप शेड निकल आएगा, और जैसे कि व्हाइट पांच करेंगे तो टिंट आएगा, और ये टोन ग्रे पांच करेंगे तो टोन इसी तरह निकल आएगा। ओके,
और उसके बाद देखिए जो ये कलर व्हील से एक कलर मैंने लिया है, जैसे कि मैंने इसमें मैजेंटा जो कलर है मैंने वो लिया है इस जगह से, तो वो कलर को हम लोग मोनोक्रोमेटिक कलर, ये अब कुछ पॉइंट जैसे कि कलर थ्योरी में इसी तरह ही हम लोग सिखाएंगे, जैसे कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो जो बेसिक जो पॉइंट होता है आप एक बार जान लीजिए। तो मोनोक्रोमेटिक कलर में क्या हो रहा है, एक कलर को मैंने चूज किया है और उसके साथ उसका फर्स्ट जो कलर आप लोगों को पता है जो शेड ब्लैक पांच करने से शेड होता है वाइटी टाइप, उसके बाद तीन कलर इसी तरह होता है टोन। तो देखिए सवाल होता है जो 5-6 शेड में दिखा रहा हो इस जगह में, तो ये मिनिमम तो मैं दिखा रहा हूँ मगर इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, आप लाखों इसमें से आप लोग शेड निकाल सकते हैं। यानी कि देखिए ये ब्लैक से और ये वायलेट, वायलेट के बाद थोड़ा सा ब्लैक मिला हुआ है मगर इसके भी मिडिल में ये देखिए इसका और इसका, इस दोनों का मिडिल में भी हम बहुत सारा शेड हम कर सकते हैं। और ये जो तीन कलर बना है इसका भी बहुत सारा हम लोग शेड निकल सकते हैं, यानी कि तीन कलर का भी, जैसे कि ये कलर का डेप्थ और ये कलर का डेप्थ, इसका मिडिल में भी हम लोग और भी हम लोग डेप्थ कर सकते हैं, तीन कलर हम ले सकते हैं। टोन का भी उसी तरह ही होता है, ये हम लोग जब डायरेक्टली पेंटिंग करेंगे तो उसमें जब हम लोग ब्लेंडिंग करते हैं, आप लोग देखते हैं एक कलर को धीरे धीरे कैसे हम लोग लेवलिंग करते हैं, तो ब्लेंडिंग आप सिखाएंगे तो उस वक्त देखेंगे तो हजारों लाखों टोन उसमें होता है। तो ओके, तो हम लोगों को जब पेंटिंग करना है उस वक्त वो सब ध्यान में नहीं देना है, ये टोन ये वो टोन ये सब नहीं जानना हम लोगों को, जैसे कि ओवरऑल जो हम जो मोटिव हम लोग बना रहे हैं तो उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। ओके, और ये कलर थ्योरी का चैप्टर है कलर साइंस, तो इसके लिए बेसिक कुछ जानना जरूरी होता है, उसके बाद आप लोगों को कुछ नॉलेज ऐसा आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड किसी जगह में आप लोगों को नहीं मिलेगा, वो कुछ एकदम नया है। ओके, तो उसके बाद हम लोग जो है उसके बाद फ्रेंड ये देखिए कॉम्प्लीमेंटरी जो कलर होता है, कॉम्प्लीमेंटरी कलर इसमें आप लोगों को बहुत कुछ जानना होता है क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ आगे जाके आप लोगों को समझ में आएगी जब लोग हम लोग कलर कॉम्बिनेशन करेंगे। तो ये कुछ जैसे कि ये कुछ रूट आप लोगों को दे रहा है तो वो आप लोगों को बाद में और भी क्लियर आप लोगों को दिखेगा। देखिए ये ऑपोजिट कलर होता है, यानी कि ये कलर और ये कलर मिक्सिंग करेंगे तो अलग से कलर निकल आएगा, ऐसा माना जाता है, बहुत लोग बोलते हैं इसे ऑपोजिट कलर बोलते हैं, जैसे कि इस रेड के साथ इसका कोई मेल नहीं है, मेल नहीं है मतलब देखिए रेड के साथ अगर वायलेट देंगे तो इसके साथ मैच होगा, इसके साथ येलो देंगे तो इसके साथ मैच होगा। ओके फ्रेंड, मगर इसके साथ अगर जैसे ये ब्लू कलर देंगे तो ये ब्लू और ये रेड, तो ब्लू कलर क्या होगा फ्रेंड, थोड़ा सा इसमें जो वायलेट की तरह थोड़ा सा दिखेगा, और इसी तरह ग्रीन देंगे तो ग्रीन में फ्रेंड ये ब्राउन की तरह दिखता है। तो हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, देखिए थ्योरी में तो ऐसा होता है जो ऑपोजिट कलर बोलते हैं मगर कुछ ऑपोजिट कलर ऐसा होता है उसे हम बहुत अच्छी तरीके से हम लोग अगर यूज करूँ तो उसमें डिसेंसिव लुक, उसका अलग से लुक होता है। ओके, तो मानिए देखिए रेड और जो ये जो कॉम्बिनेशन इसमें दिया हुआ है, जो अगर थ्योरी में आप लोग जाएंगे तो देखिए दोनों कलर एकदम ऑपोजिट टाइप कलर होता है, जैसे कि इसके साथ येलो वगैरह ये सब कलर इसके साथ मैच हो रहा है क्योंकि सिमिलरिटी बेस होता है, और जो ग्रीन होता है ग्रीन के साथ फ्रेंड ब्लू वगैरह ये सब कलर इसके साथ जा रहा है। तो ऑपोजिट कलर को भी हम लोग बाद में आप लोगों को सिखाएंगे, जो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग कलर मिक्सिंग करते हैं और कलर कॉम्बिनेशन में हम लोग इस कपड़े साथ दूसरे कपड़े जब यूज करेंगे, मानिए एक रेड वाला कपड़ा मानिए एक ऑरेंज वाला कपड़ा, तो ये दोनों कलर को हम यूज करेंगे, साथ ही साथ मिडिल में कुछ अलग सा सीक्वेंस हम दे देंगे दूसरी कलर का, इसी तरह अलग अलग टाइप से हम लोग उसे यूज कर सकते हैं। फिलहाल इसे जान लीजिए जो ऑपोजिट कलर कॉम्प्लीमेंटरी जो कलर होता है वो। उसके बाद ये देखिए तो कलर कॉम्बिनेशन में जैसे कि ये थ्योरी कलर है, थ्रीडी कलर है, तो थ्रीडी कलर जैसे कि इसी तरह है, तो
इस कलर में भी हम लोग जब कम्बिनेशन करते हैं तो थ्री कलर इसी तरह हम लोग यूज कर सकते हैं, मगर इसमें से आप लोगों को एक कलर निकल के टू कलर यूज करना है, टू कलर शेडिंग में आप लोग करें। तो फ्रेंड ये कलर कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है, किसी डिजाइन आप लोग बनाएंगे तो देखिए फ्रेंड रेड के पास येलो ठीक अच्छी तरीके से नहीं जा रहा है। ओके, तो यही कलर अगर हम लोग दूसरी तरीका से यूज करो तो जा सकता है। देखिए ये येलो, और इसके बाद हम लोग येलो को अगर इस तरफ हम लोग ले आए तो इसके बाद जो येलो और जो ये कलर होता है थोड़ा सा ऑपोजिट टाइप कलर लग रहा है, तो इसी तरह से भी हम लोग इसे यूज कर सकते हो। मगर इसमें जो कलर कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है, इसमें आप लोगों को कोई एक कलर को छोड़कर आप लोगों को यूज करना है। उसके बाद देखिए जो रेक्टेंगल, तो कलर व्हील से भी ये सब निकाला गया है, तो इसी इसी तरह जो कलर है इसमें से आप लोग कोई भी थ्री कलर आप लोग यूज कर सकते हो। ओके, देखिए ये कलर नहीं चाहिए, मगर हम लोगों को क्या करना है, देखिए हम लोग जब पोर्ट्रेट वगैरह बनाते हैं, कुछ ड्राइंग वगैरह बनाते हैं, तो मानिए जो एक पोर्ट्रेट अपना हाथ को इसी तरह कुछ ऐसी मूवमेंट में रखा है, तो वो लग रहा है कुछ जियोमेट्रिकल शेप, तो वो माना जाता है बहुत ही एडवांस लेवल का जो आर्टिस्ट है वो उसी तरह ही करते हैं। दोनों ट्री मिला हुआ है, लग रहा है कोई आपस में बात कर रहा है, तो इसी तरह ही कॉन्सेप्ट इस जगह में कलर व्हील से हम लोग निकलते हैं। तो ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, बाद में आप लोगों को लगेगा ये सब जरूरी नहीं है, फिलहाल ये सब जानना है आप लोगों को। तो इस किसी जो कलर रेक्टेंगल जो है, तो किसी एक कलर को छोड़ के बाकी तीनों को आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हो एक किसी कोई कंपोजिशन में। उसके बाद एनालॉग्स, तो देखिए हम लोग बहुत बार सेम कलर का कॉम्बिनेशन कुछ यूज करते हैं, सेम कलर का शेडिंग यूज करते हैं। देखिए जैसे कि हम लोग कुछ फ्रेंच नोट वगैरह करे, जैसे कि कुछ रोज करे स्टिचिंग में करे, तो इसी तरह कुछ सीक्वेंस भी होता है जो सिमिलरिटी कलर उसमें जाता है, बहुत अच्छा होता है। इसमें से कोई एक कलर छोड़ के आप बाकी तीनों कलर इसमें यूज कर सकते हो। तो इसी तरह एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिया जा रहा है जो कलर व्हील से आप लोग बहुत अलग अलग डायमेंशनली सेटअप करके आप लोग उसे यूज कर सकते हो बहुत आसानी से। तो बाद में हम दिखा देंगे, हम अलग से कुछ चैप्टर बनाएंगे, तो उसमें से आप लोगों को एक एक करके आप लोगों को समझ में आएंगे। जैसे कि हम एक कलर के साथ दूसरी कलर यूज करूँ ना करूँ, क्यों नहीं करूँ, क्योंकि मतलब है मानिए जैसे कुछ कपड़ा है उसमें आप वीडियो के लिए बना रहा है, कुछ सैड मूवमेंट के लिए बना रहा है, तो उसमें से हम कुछ कलर ऐसा है जो हॉट होता है कूल होता है, और कुछ एक्सप्रेशन जो इम्प्रेशन कलर में आता है, ये बहुत कुछ जानकर आप लोगों को वो ही कलर यूज करना है। तो एट फर्स्ट आप लोगों को ये जानना है, बेसिक जान लीजिए आप, तो इसी तरह ही है आप लोग एक कलर को छोड़ के आप यूज कर सकते हो। उसके बाद देखिए स्प्लिट कॉम्प्लीमेंटरी जो कलर है, तो इसे भी देखिए आप, हम पर्टिकुलरली इसी तरह करके यानी कि मिडिल में एक कलर छोड़ के ये कलर चार्ट बनाए, ये बहुत बढ़िया है। ये तीनों कलर ही आप लोग किसी कॉम्पोजिशन में आप लोग यूज कर सकते हो बहुत आसानी से, इसका लुक बहुत अच्छा रहा है। देखिए हम लोगों को क्या है, कलर कंप्यूटर तो अलग है, जैसे कि इसमें आप लोगों को क्या करना है बाद में हम सिखा देंगे, जो जो कलर है उसे मिक्सिंग जो मैनुअली होता है ना, तो वही कलर से जैसे कि ऑलिव ग्रीन, लाइक ऑलिव ग्रीन की तरह लग रहा है, जो सैप ग्रीन होता है सैप ग्रीन के साथ थोड़ा सा व्हाइट दे देंगे और ये कलर आ जाएगा। इसी तरह हम लोगों को पता है कोई भी कलर देखूँ तो उसमें तुरंत एक सेकेंड के अंदर बता सकता हूँ वो कौन सा कलर मिक्सिंग ही है। ये देखिए ये टर्किस ब्लू, इसे आप लोग तैयार करेंगे तो देखिए कंप्यूटर में हम सिखाएंगे, फिलहाल मैनुअली मैं बता रहा हूँ। इसमें आप लोगों को प्रशियन ब्लू ग्रीन और इसके साथ थोड़ा सा आप लोग व्हाइट देंगे तो ये कलर आ जाएगा। रेड ये नेचर का कलर है, ये किसी कलर से आप लोगों को तैयार नहीं करना है, डायरेक्टली आप लोगों को लेना है और आता भी नहीं है। जैसे कि मैंने बोला था क्रिम्सन प्रशियन ब्लू गोल्डन येलो, इसी तरह आरजीबी कलर में भी कुछ तीनों कलर है, और जो सीओएम के जो कलर होता है उसमें भी कुछ कलर पर्टिकुलर होता है, वो आप लोगों को नेचर से लेना पड़ता है। तो इसी तरह सिस्टम है, और आगे बढ़ते हैं और दूसरी कोई टॉपिक्स यानी कि कलर साइंस के ऊपर और भी बहुत कुछ, बहुत बड़ा चैप्टर है ये,
जितना हो सके आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा फ्रेंड। और फिलहाल जो आप लोग अगर फैशन डिज़ाइनिंग कंप्यूटर कोर्स में आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो फ्रेंड आप लोग हर वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ, जो सिलेबस में दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए कंप्यूटर फैशन डिज़ाइनिंग जो कोर्स है इसमें बहुत कुछ सिलेबस इसमें दिया हुआ है फ्रेंड। इस जगह में ये देखिए बहुत सिलेबस दिया हुआ है इस जगह में, और ये सीखकर बहुत अलग अलग टाइप का आप लोग जॉब भी आप लोग कर सकते हो। पूरा कोर्स फैशन डिज़ाइनिंग यानी कि कंप्यूटर, कोई भी आप लोगों को मैनुअल कुछ यूज नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को एक बार एक चीज़ आप लोगों को सिखाऊंगा जो ब्लाउज कोर्स है वो मैनुअली हम सिखाएंगे, बाद में सभी जो कोर्स होगा वो कंप्यूटर में सिखाएंगे, और कमीज वगैरह ये सब है, और बाकी आप लोगों को कुछ सिस्टम है, आप लोगों को ऐसा नहीं है सिर्फ ऐसा ही करना है, मगर आप लोगों को मैनुअल का भी नॉलेज इसमें से आप लोगों को मिल जाएगा। तो एडमिशन ओपन है, आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो एडमिशन ले सकते हो, और एडमिशन के लिए हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है इसमें आप लोग डायरेक्टली विजिट कर सकते हो, बात भी कर सकते हो। और फ्रेंड आज के लिए इतना सही था, मिलते हैं इसी तरह कुछ दूसरा कोई वीडियो लेकर। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।